प्रदेश में चल रहे पोषण माह के तहत हमीरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनूठी पहल शुरू करते हुए कुकिंग का शौक रखने वाली महिलाओं का हुनर दिखाने का मौका प्रदान करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। प्रतियोगिता में महिलाओं को अपने द्वारा तैयार किए गए व्यंजन प्रस्तुत करने होंगे। 3 चरणों में होने वाली इस प्रतियोगिता में IHM हमीरपुर के विशेषज्ञ जज की भूमिका निभाएंगे। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जनता को घरेलू पौष्टिक आहारों के प्रति आकर्षित करने के साथ साथ जागरूक करना भी है। जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग हमीरपुर के सौजन्य से 13 से 17 सितंबर तक जिला की महिलाओं के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वे अपने पकवानों की प्रस्तुति देंगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में विकास खंडों में महिलाओं के पकवान को जांचने के बाद उनका चयन दूसरे चरण के लिए होगा। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल व फाइनल IHM झिन्यारी में आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जनता को घरेलू पौष्टिक आहारों के प्रति आकर्षित करने के साथ साथ जागरूक भी करना है। उन्होंने बताया कि प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया जाएगा। प्रशासन और WCD विभाग द्वारा हमीरपुर में स्पेसिफिकली ये प्रतियोगिता हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ये आप सबको पता है कि 1 सितंबर से पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ जो है वो पूरे प्रदेश में जो है मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों को और बच्चों को खासकर पौष्टिक आहार से जोड़ने का जो है एक प्रयास जो है वो तरह तरह से किया जा रहा है। हमारे ज़िले में हमें ये आइडिया आया कि क्योंकि हमारे पास IHM का कैंपस है हमीरपुर में, तो उसकी मदद लेते हुए हमने बैक टू द रूट्स ऐसे पौष्टिक आहार जो हम भूल गए हैं या बच्चे खाना पसंद नहीं करते, उनको एक स्वादिष्ट और अच्छे प्रेजेंटेशन से कैसे बच्चों को जो है उसको उनकी तरफ आकर्षित किया जाए, इस थीम पे हम लोग जो है एक 5 दिवसीय जो है इसमें कुकरी कॉम्पिटिशन पूरे जिला भर में करने जा रहे हैं। इसमें 13, 14, 15 सितंबर को इसके प्रिलिमिनरी राउंड्स जो है वो किए जाएंगे ब्लॉक्स में, और उसमें 13 तारीख को टॉनी देवी और सुजानपुर ब्लॉक में होंगे, 14 तारीख को भोरंज और नदौन ब्लॉक में, और 15 तारीख को बिजली और हमीरपुर ब्लॉक में इनके प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन होंगे, जहाँ पे घर से इस तरह का भोजन जो है जो कॉम्पिटिशन के लिए एंट्रीज होंगी वो बना के लाना होगा पार्टिसिपेंट्स को, और उनको जज करके जो है सेमीफाइनल जो चयनित होंगे उनको सेमीफाइनल में भेजा जाएगा। और उसके बाद 16 सितंबर को IHM के कैंपस में ही इसका पेनल्टीमेट राउंड होगा, और उसमें ऑन द स्पॉट कुकिंग करवाई जाएगी जो जो चयनित होंगे उन उम्मीदवारों को, और उसके बाद फाइनल राउंड जो है वो 17 सितंबर को फाइनली IHM में ऑन द स्पॉट कुकिंग कॉन्टेस्ट से फाइनल विजेता जो है वो घोषित होंगे। इससे हम ये इस पूरे कॉन्टेस्ट को करने के पीछे हमारा ये मकसद है कि लोग कई बार हम आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में लाइफ की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, अलग अलग जगहों पे फास्ट फूड की चेन्स खुल गई है, इसलिए हम कहीं ना कहीं अपने घर पे घरेलू आहार जो पौष्टिक भी है स्वादिष्ट भी है और बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत कामगार साबित होती है उसको भूलते जा रहे हैं। तो कैसे हम अपने घरेलू सामान से बने हुए बड़े हम्बल डिशेस को भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए स्वादिष्ट और आकर्षक बना सके, उसी का कॉन्टेस्ट है, ताकि हम पोषण के जो माह में ये IC के माध्यम से अवेयरनेस जो है हमीरपुर के सभी लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू।